मेरा YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सरर अंसारी। तो मेरे WhatsApp पर और उसके साथ साथ मेरे Instagram पर GP रेटिंग से रिलेटेड इतना कमेंट आ रहा था कि GP रेटिंग में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, द ग्रेटेस्ट के बारे में बता दिया, मैट्रिक के बारे में बता दिया, नूसी गोवा के बारे में बता दिया, TS रहमान के बारे में बता दिया। बहुत सारे लड़के ये भी पूछ रहे हैं कि सर अदरवाइज जो दूसरे इंस्टीट्यूट है उसमें मैं एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि चलो यार इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बता ही दूँ, क्योंकि मैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर कमेंट दे देकर रिप्लाई दे देकर थक चुका हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा यूट्यूब चैनल आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। और एक और आपके लिए एक एक्स्ट्रा न्यूज़ बता देता हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम भी चालू कर दिया है और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है और आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर फॉलो करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम लिख दें और अपना एड्रेस लिख दें कि आप कहाँ से हैं और आपको किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अगर अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं तो मैं वहाँ से डेफिनेटली अपना पर्सनल नंबर से आपको कॉल करके बात करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने तो अपना इंस्टाग्राम आईडी बताना आपको भूल गया, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है sailor.ansari, फिर से याद रख लीजिए sailor.ansari। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे जीपी रेटिंग के बारे में। तो जीपी रेटिंग में मैंने नूसी गोवा, TS रहमान, द ग्रेट ईस्टर्न का प्रॉपर फिलअप फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है करके बता दिया। यही तीन ऐसे कॉलेज हैं, नूसी गोवा, TS रहमान और द ग्रेट ईस्टर्न, जिसमें आपको जीपी रेटिंग में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अदरवाइज किसी भी कॉलेज में आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। एक लड़के ने मुझे मैट्रिक के बारे में पूछा था, मेरी टाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में पड़ता है और इसका जो इंस्टीट्यूट कैंपस है वो 24 फल्टा सेक्टर 4 में पड़ता है, ठीक है। तो इसमें एडमिशन का कोई प्रोसेस नहीं है, आप डायरेक्ट उसके CT ऑफिस में जाइए और वहाँ पर जाने के बाद बताइए कि मैं मुझको GP रेटिंग करना है और अपना पासपोर्ट और मार्कशीट 10 का मार्कशीट लेकर जाइए, वो आपको वेरीफाई कर देंगे कि हाँ आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको एक मेडिकल डॉक्टर का नाम आपको बना कर देंगे कि यहाँ से जाइए आप मेडिकल करा के आइए, वहीं से आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, आप जाइएगा मेडिकल करा के आइएगा। उसके बाद आपको एडमिशन लेना होगा तो उसी टाइम एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो बोलिए कि मैं कुछ दिनों के बाद एडमिशन लूँगा। तो यही आपका प्रोसेस है। कमांडर अली में भी जाइएगा तो वही प्रोसेस है, आप जाइए बात कीजिए और अपना पासपोर्ट और मेडिकल पासपोर्ट के साथ साथ अपना मार्कशीट लेकर जाइए और दिखाइए कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो आपको बता देंगे एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको बोलेंगे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बोलिएगा पहले मुझे मेडिकल करा लीजिए, तो आपको मेडिकल डॉक्टर का नाम लिख लेंगे, आप जाइएगा मेडिकल कराइएगा। बस यही प्रोसेस होता है और कुछ प्रोसेस नहीं होता है। और बहुत सारे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हम लोग को GP रेटिंग करना है तो क्या GP रेटिंग में इंग्लिश बोलना जरूरी है क्या? नहीं, GP रेटिंग में आपको इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है, बस काम चलाओ इंग्लिश आपको आना चाहिए। क्योंकि जितने भी GP रेटिंग में 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, एक MEK होती है मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज और एक GSK होती है जनरल शिपिंग नॉलेज, तो ये टोटल बुक जो होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है और जो लेक्चर भी आएंगे वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे। लेकिन अधिकतर आपको एग्ज़ाम इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, ओरल भी इंग्लिश में देना पड़ेगा, MCQ भी इंग्लिश में होगा, प्रैक्टिकल भी आपको इंग्लिश में ही जवाब देना पड़ेगा। तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी रहती है, अगर आप हल्का फुल्का इंग्लिश बोल लेते हैं तो आपको इंग्लिश में कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सीट पर जाएं, अच्छी तरीके से काम करें और आपका जल्दी जल्दी प्रमोशन होगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी रहेगी तो आपका प्रमोशन अच्छा होगा, आपका इंप्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। तो यही एक थी। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मेरा इंस्टाग्राम जो मैंने नया आईडी बनाया है sailor.ansari, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए और अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना रीज़न, एड्रेस मत लिखिए आप कहाँ से हैं वही लिख दीजिए और अपना रीज़न लिख दीजिए और अपना मोबाइल नंबर लिखिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।